हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज का हमारा न्यूमेरिकल कुछ इस तरह से है। अ पार्टिकल ऑफ मास 0.01 केजी ट्रेवल्स अलोंग अ कर्व विद वेलोसिटी गिवन बाय 4i प्लस 16k मीटर पर सेकंड। आफ्टर सम टाइम इट्स वेलोसिटी बिकम्स 8i प्लस 20j मीटर पर सेकंड ड्यू टू द एक्शन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। कैलकुलेट द वर्क डन ऑन पार्टिकल ड्यूरिंग दिस इंटरवल ऑफ टाइम। तो यहाँ पे जैसे देखो, ये जो गिवन है ये इनिशियल वेलोसिटी है। विल राइट हियर u बार इज इक्वल्स टू 4i प्लस 16k। ओके, तो यहाँ पे हम लोग इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं। u बार दैट इज u इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर एंड दैट विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 16 प्लस 256। ओके, तो इसका सम क्या होगा, 6 प्लस 6 ये हो जाएगा 12, मतलब 2, 1 कैरी, 6 और 7 और 2, 272, ये इसका सम हो गया। दैट इज द इनिशियल वेलोसिटी। सेकंड, फाइनल वेलोसिटी यहां पे दी है आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, ये है 8i प्लस 20j। ओके, तो इसका भी मैग्नीट्यूड हम लोग ले लेते हैं। कि यहाँ पे मैंने डायरेक्ट मैग्नीट्यूड लिया, देखो तो ये हो जाएगा v बार, दैट इज फाइनल वेलोसिटी। सो इसका मैग्नीट्यूड रहेगा अंडर रूट ऑफ 8 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, तो ये हो जाता है 64 प्लस 400, राइट, दैट इज इक्वल्स टू 464। ये हो जाएगी फाइनल हमारी वेलोसिटी मैग्नीट्यूड फॉर्म में। अब इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है, फाइनल वेलोसिटी हमारे पास है, और हमें फाइंड करना है वर्क डन, और मास यहां पे गिवन है। तो यहां हम लोग यूज करेंगे वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। सो देखो यहां पे, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी प्रिंसिपल या फिर थ्योरम प्रिंसिपल, जो वर्क डन होता है, दिस वर्क डन इज नथिंग बट द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ओके, अब इस केस में फाइनल जो काइनेटिक एनर्जी वो ज्यादा है, इनिशियल कम है, इसलिए हम लोग लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो ये क्या होगा, हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर माइनस हाफ एम इनिशियल स्क्वायर, जिसको हमने यू से रिप्रेजेंट किया था। सो नाउ इट इज हाफ एम कॉमन कर देते हैं, वी फाइनल स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, मतलब यहां पे ये इनिशियल वैल्यू रहेगी। ओके, यहां पे आए दे सकते अगर चाहिए तो। सो हाफ इन टू, यहां पे देखो मास क्या था, मास था 0.01 केजी। ओके, इट इज 0.01 और ब्रैकेट में वी फाइनल की जो वैल्यू थी वो थी अंडर रूट में 464, तो स्क्वायर होने के बाद ये 464 हो जाएगा, स्क्वायर रूट निकल जाएगा यहां से, और इनिशियल वैल्यू थी अंडर रूट ऑफ 272, तो ये हो जाएगा 272। ओके, सो 0.01 बाय 2 इंटू, इसका देखो सब्ट्रैक्शन कितना आएगा, 192, इसको अगर मैं 2 से डिवाइड कर देता हूं तो हमें मिलेगा यहां पे 96, और 0.01 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां मिलेगा 0.96 जूल। सो दिस इज व्हाट द अमाउंट ऑफ द वर्क डन व्हेन वेलोसिटी चेंज। ओके, क्लियर है।